दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर से संबंधित दो जरूरी अपडेट निकल कर आ रही हैं। आपको दोनों ही अपडेट के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं पहली अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली अपडेट निकल कर आ रही है राष्ट्रीय संघर्ष समिति कोल्हापुर महाराष्ट्र की तरफ से। आपको स्क्रीन पर अपडेट दिख रही होगी, राष्ट्रीय संघर्ष समिति कोल्हापुर महाराष्ट्र टीम का एक और सफल प्रयास। कोल्हापुर टीम ने आश्रम संसदीय कमेटी सदस्य माननीय सांसद प्रोफेसर संजय जी मंडले साहिब से मुलाकात की और हमारे विषय को समझाया, साथ ही एक ज्ञापन भी सौंपा। माननीय सांसद जी ने पूरा सहयोग करने का वादा भी किया। माननीय सांसद जी और कोल्हापुर टीम श्रीमान बी एस किलेदार जी, एन एस पाटिल जी, एस बी पाटिल जी, सी जी पाटिल जी, उमेश कसबेकर जी, सुरेश जाधव जी, एच एन पाटिल जी, रुगडीकर जी, जी आर पाटिल जी, सदाशिव जाघव जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। दोस्तों इस तरह के ज्ञापन लगातार राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा देश के अलग अलग राज्यों में सांसदों और विधायकों को दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की अगली अपडेट के बारे में। अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से। राष्ट्रीय संघर्ष समिति आजमगढ़ मंडल का मासिक बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2020 को आजमगढ़ बस स्टैंड 10 बजे रेस्ट रूम में आयोजित किया जाएगा। कोरोना काल में होने वाली प्रगति पर चर्चा होगी। सदस्यता अभियान को जोरदार तरीके से चलाया जाएगा। संभव है कि प्रदीप श्रीवास्तव को बुलाया जाए। धन्यवाद अपनी राय मंडल अध्यक्ष। दोस्तों यहां पर बहुत बड़ी एक मीटिंग होने जा रही है। ये मासिक बैठक 18 नवंबर 2020 को आजमगढ़ बस स्टैंड पर रेस्ट रूम में होगी। आपसे गुजारिश है कि अगर आप यहां के रहने वाले हैं तो आपको इस बैठक में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि जब तक संगठन पूरी तरीके से मजबूत नहीं हो पाएगा, 65 लाख पेंशनर हैं, अगर 65 लाख पेंशनर में से भी आधे पेंशनर भी अगर आंदोलन में शामिल हो जाएं, तो यहां पर सरकार के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। लेकिन बहुत ही कम पेंशनर ऐसे हैं जो इन मीटिंगों में और जो इन प्रदर्शनों में जा पाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में आके मुझे बता दीजिए आप लोग देश के किस राज्य से ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।